बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब अल्लाह के फ़ज़ल और करम से ठीक होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ चिकन वाले चावल। तो ये मेरे पास चिकन है, ये मैंने 2 केजी लिया है और इसको मैंने मैरिनेट करने के लिए रखा हुआ है। इसमें मैंने डाला था नमक 1 चम्मच, दही 1.5 कप, सब्ज़ मिर्च हसबे ज़रूरत, मतलब जितनी आपको चाहिए बच्चों के हिसाब से रखें, कम रखनी है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं ज़रा तेज़ कर लें। और गरम मसाला 1 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, और इसको आपने 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देना है फ्रिज में। और ये मैंने चावल लिए हैं, चावल हैं 4 ग्लास, मतलब 1.5 किलो से कम हैं थोड़े। और ये प्याज लिए हैं 2 अद बड़े, और ये टमाटर लिए हैं 2 अद स्लाइस काट लिए हैं, ज़्यादा नहीं डालने क्योंकि पहले ऑलरेडी मसाले में हमने दही डाला हुआ है। और ये है बादियान के फूल, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, बाकी मसाले पीस के हमने डाल दिए थे, इसलिए इसमें और मसाले नहीं डालेंगे। और ये मैंने प्याज रख दिया है फ्राई होने के लिए। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। ये देखिए प्याज हो गया हल्का सा लाइट ब्राउन, इसको लाइट ब्राउन ही करना है क्योंकि ये वाइट चावल है। और अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, अब मैं डाल रही हूँ ये मसाले और साथ ही चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको खूब अच्छी तरह भूनेंगे तेज़ आंच पे क्योंकि ये दही है, इसमें पानी छोड़ना है, चिकन जल्दी से गल जाएगा। ये देखिए चिकन ने पानी छोड़ दिया, इसको तेज़ आंच पे ही पकाना है क्योंकि ये फिर जल्दी से ही पानी इसका खुश्क होगा, नहीं तो चिकन गल जाएगा और पानी रह जाएगा, इसलिए हमने चिकन को ज़्यादा नहीं मिलाना। ये देखें माशाल्लाह चिकन ऑलमोस्ट डन है, इसने घी छोड़ दिया है, पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया है। आपने ये ख्याल रखना है कि आपने जब चावल ऐड करने हैं तो इसका नमक और मिर्च आप देख लें, क्योंकि मैंने इसी में सब कुछ डाला हुआ है और फिर बाद में चेक करके अपने हिसाब से डाल देते हैं। आप भी ऐसा ही कीजिएगा, अपने हिसाब से डाल सकते हैं तेज़ या हल्का। अब मैं इसमें डालूँगी पानी, और इसको पकाएंगे, जब पानी पक जाए तो फिर इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। अब पानी पक रहा है, अब मैं डालूंगी इसमें चावल। ये देखिए चावल पक रहे हैं और बस दम लगाने वाला है। ये देखिए ये देखिए चावल बिल्कुल दम के लिए तैयार हैं, अब मैं इसको दम लगाऊंगी 10 से 15 मिनट। ये देखिए माशाल्लाह चावल तैयार हो गए, दम लगा दिया था मैंने 10 मिनट पहले, ख़त्म कर दिया। अब चूल्हा भरती हूँ बंद और चावल निकालती हूँ डिश में। ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिए, प्लेटर में निकाल लिए हैं, तो आप भी ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर डिसलाइक भी है तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक नहीं तो डिसलाइक कीजिएगा, फिर ही पता चलता है कि ठीक है या गलत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।